नमस्ते सर। सर जी आप अपनी घड़ी में टाइम बताओ कितना हुआ? ऐलान दे दो है? जी सर तो आप और स्कूल खुलने का टाइम कितना है सर? 8 बजे का। तो 8:30 ये आध घंटा 30 मिनट का लेट क्यों? चलिए ठीक है। स्वागत देख सकते हो कि हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं अभी तक 8:40-50 हो गए, अभी तक क्लास नहीं लगी है। देख सकते हो आप स्कूल को किस तरह का कबाड़ा के रख दिया है। आप लोगों को करीब से भी देखा। सर जी नमस्ते। सर आप अपनी घड़ी में टाइम देख के बताओ कितना हो, कितना टाइम हो रहा सर? अध्यापकों की मनमानी से बच्चों की बढ़ गई है परेशानी। अध्यापकों की मनमानी के चलते शिक्षा पर लग रहा है कहर। ललितपुर जिले के विकासखंड बार के गांव डगराना के सरकारी विद्यालय में अध्यापकों का विद्यालय आने का कोई निर्धारित समय नहीं है, जबकि शासन के निर्देशानुसार 8 बजे अध्यापकों को विद्यालय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है। लेकिन विद्यालय का आलम यह है कि सुबह कभी कभार तो 9 बजे तक विद्यालय पर प्रधानाचार्य सहित अध्यापक नहीं आ पहुंचते, और सबसे ज्यादा प्रधानाचार्य कई दिनों तक तो विद्यालय में आते ही नहीं है, जिसके चलते अध्यापक अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं और विद्यालय समय से नहीं खोलते। क्या है ग्रामीणों की जुबानी, सुनिए संवाददाता जुगल किशोर की विस्तृत रिपोर्ट। नमस्ते, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं ग्राम डगराना में। ये बताइए कौन सा गांव है? डगराना है साहब। तो आपको क्या समस्या है? हमारा समस्या है कि यहाँ पढ़ाई कोई नहीं हो रही है। अच्छा हाँ। तो अभी जैसे बच्चा लड़ते हैं, अच्छा लड़ते हैं, किसी की चोरी हो रही, मास्टर कोई मतलब नहीं, मोबाइल में बिजी हैं। अच्छा हाँ हाँ। कोई नहीं आया है, अकेले प्रिंसिपल मास साहब आए। अच्छा, अभी जैसे 8:00 का टाइम है दादी यहाँ का, तो अभी 8:30 के समथिंग हो गया है, तो अभी तक सर आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, अकेले प्रिंसिपल आए हैं। अकेले प्रिंसिपल सर आए हैं। हाँ। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ की स्कूल की कंडीशन के 8:00 का टाइम है, तो 8:30 के समथिंग बज गए हैं, तो लेकिन अभी तक हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वही नज़र आ रहे हैं, अभी तक कोई भी सर नज़र नहीं आए। अब देखते हैं कि सर लोग कितने टाइम में और कब तक आने का प्रयास करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो टाइम पूछ लो मैम से। चलो अब टाइम बताओ मैम किसको। चलिए इजाजत मांग लो। बताइए सर कि अभी जो स्कूल का टाइम टेबल चल रहा है सर, कितने बजे ओपन होता है सर? क्यों सर? हाँ सर जी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग रोज ही लेट आते हो। मैम बताइए। नमस्ते सर। सर जी आप अपनी घड़ी में टाइम बताओ कितना हुआ? ऐलान दे दो है? जी सर तो आप और स्कूल खुलने का टाइम कितना है सर? 8:00 का। तो 8:30 ये आध घंटा 30 मिनट का लेट क्यों? चलिए ठीक है। स्वागत देख सकते हो कि हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं अभी तक 8:40-50 हो गए, अभी तक क्लास नहीं लगी है। देख सकते हो आप स्कूल को किस तरह का कबाड़ा के रख दिया है। आप लोगों को करीब से भी देखा। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप अपनी घड़ी में टाइम देख के बताओ कितना हो, कितना टाइम हो रहा सर?
अभी देखो 8:50 होने को समथिंग आ रहे हैं। कितना टाइम पूछे जरा बताओ कितना टाइम हो गया सर आप थोड़ा क्या बता सकते हो कि मतलब अभी टाइम क्या है यार पत्रकार पर जाना है क्या सर हो भाई सर आप थोड़े लेट आए हो मतलब क्या कारण है कि सर आप इतने लेट हो गए हो आप जरा बता सकते हो सर गाड़ी खराब हो गई अच्छा चलो दो जनन की गाड़ी खराब हो गई चलो ठीक है सर तो आप जैसे तो ले छुट्टी लो ऑनलाइन जाता है बीच में जैसे गिर गए या कुछ समस्या आ गई या कोई हमारे साथ ही गिर गया उसको ऑनलाइन कहाँ से सर ये अपना मिड्डे का है अभी मिड्डे की रिपोर्ट नहीं दी गई है वहाँ पर खाना तैयार नहीं पहुँचा जो अपने विभाग का काम नहीं अपना काम आपका काम है आप रिपोर्ट दीजिए बच्चों की वहाँ पर 50 बच्चे आए हैं तो 500 बच्चे आए तो सर आप रोज ही लेट आते हो कि आज ही आए हो हाँ पायलट टाइम पे आज मतलब क्या हो गया था आपको क्लास में जो है मैं गाड़ी चेक कर रही हाँ हाँ अभी तक आपको जो पढ़ाते हैं सर आए हैं कि नहीं आए हैं आप मुंह से बोलिए नहीं आए हैं आप क्यों नहीं आए आपको पता है घंटा बाद आएंगे अभी जैसे 8 बजे का टाइम है आप लोग सब कितने बजे आ गए थे स्कूल में एक घंटा पहले आ गए थे हेलो भाई साहब आपका क्या नाम है कमल सिंह राजपूत ये कौन सा गांव है टगराना तो आपको क्या समस्या है मेरी समस्या है बच्चों को खाना नहीं मिलता है टाइम से कहाँ स्कूल में तो स्कूल में खाना क्या नहीं मिलता है नहीं मिलता है घर से बच्चे ले जाते हैं अच्छा हाँ तो आपका क्या कहना है जो कहना है कहने बच्चन हो खावे मिलते हैं सब हाँ, भर ले आती है हाँ, से भाए भाए गया भगा दी हाँ, तो मतलब वहाँ पे हाँ, पढ़ाई नहीं चल रही हाँ, बस कोई नहीं हो रही पढ़ाई तो ये स्कूल नहीं जान रहे मोड़ी मोड़ा अच्छा कुछ नहीं जानते हैं बच्चे यहाँ पे जो पढ़ाई चल रही है तो वहाँ पे जो सर लोग आते हैं टाइम पे आते हैं कि वो भी नहीं आते हैं हाँ तो आपका भाई साहब क्या कहना है बच्चन के साथ भविष्य के साथ थोड़ी खिलवाड़ करवा हाँ तो आप क्या कहना चाहते हो कि स्कूल खुलना चाहिए टाइम टाइम से खुलना चाहिए चलो ठीक है हम लोग नहीं आपको हवा ज्यादा है नहीं आपको भविष्य ज्यादा है हवा भी ज्यादा है ऐसी बात मत किया करो ठीक है बोलो ना इस पे बोलो ये बात अभी बोल रहे थे बोलो इस पे बोलो कह रहे कि मीडिया वाले डेली ना नहीं बोलो ना इस पे बोलो संचालन करें डेली क्यों आ नहीं अभी बोल रहे थे हमसे बात मत किया करो आप लेकिन इसको डेली बहुत नियम से चल रहा है आप लोग जबरदस्ती परेशान अब आते हैं अब देख आज कितने टाइम पे आया वो अधिकारी देखेगा हमारा कौन अधिकारी जो अधिकारी हम अधिकारी भी देख रहे सब देख रहे योगी बाबा किया है देखो गवर्नमेंट के मामले में सबसे बेस्ट सब ऐसी बात नहीं करेंगे देखो पावर हर चीज पे बे नंबर देख रहे पीरे रोड पे ज्यादा मतलब छूट गई है यार करवा ये तो आपका काम है मेरे भी घर के लोग बात है और हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं ये बताओ नहीं हम लोग कुछ गलत बोले हैं आप लोग गलत नहीं आप लोग सुधार कर ये हमारा फर्ज है ना देखो जो नहीं गलत कुछ है दिल्ली ना आगे आप लोग अब लोग देखेंगे कल से एक बात और है यहाँ पर अगर टाइम 8:30 का है तो 9:30 होने के बाद पर ताला लग जाए ना हाँ, ना कोई मास्टर भी नहीं हाँ, आएगा ना कोई बच्चा भी नहीं आएगा एक बात और क्या करे एक और जे भी आ गए इनको भी जल्दी सही बात है देखिए इनको पाओ बाबा बड़े आओ जो का टाइम कितने होगा सर एक मिनट अरे जान दो सर आ गए हैं अभी अरे तो अंदर आ गए हैं सर अभी अंदर ही जाते आपका क्या नाम है हमारा नाम है कमलेश सेन हाँ हाँ जगराना से है हाँ हाँ हमारे जो स्कूल है यहाँ पर जून हाई स्कूल है हाँ हाँ स्कूल माध्यमिक विद्यालय जगराना से है हाँ इससे बच्चों का कोई भविष्य तो बन नहीं रहा है हाँ बच्चे केवल बाहर घूमते हैं हाँ कोई टीचर लोग वहाँ पर आता नहीं है हाँ अभी हम लोग गए थे वहाँ पर रिपोर्ट ली तो कोई अभी टीचर टाइम से नहीं आया है वहाँ पर जैसे आप
आप बच्चे को कभी छोड़ने गए हो स्कूल? हम अभी हाल गए थे गाड़ी से, तो अभी गए थे छोड़ने के लिए, तो आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पर देखा कुल में एक टीचर आया है और एक मैडम थी और बाकी स्कूल में कोई नहीं था, केवल बच्चे फिर रहे थे। तो टीचर आए थे, जो प्रिंसिपल आए थे ना, तो मैडम कितने बजे आई थी? मैडम को मैंने टाइम देखा था तो मैडम आई थी कम से कम वे आई थी 9:15 पे आई थी। अच्छा, स्कूल का टाइम कितने बजे का है? और स्कूल का टाइम है 8:30 बजे का है। 8:30 बजे का। और वो आई थी कितने बजे? वो आई थी 9:45 पे आई थी। हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते कि हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो समय से आए और बच्चों को स्कूल में पढ़ाए और मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो भाई साहब आपका क्या नाम है? आप भी क्या कहना चाहते हो बच्चों के भविष्य के बारे में? क्या नाम है? हमारा नाम है गोपाल सिंह। तो ये बताइए भाई साहब, ये कौन सा गांव है? राम डगराना। तो आपको क्या समस्या है? हमको ये समस्या है कि हमारे गांव का स्कूल टाइम टेबल से नहीं खुल रहा है। टाइम टेबल से नहीं खुल रहा है। और पढ़ाई? ना पढ़ाई होती है ना बच्चे 3 साल से आए छुटवा नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं कुछ नहीं जानते हैं? कुछ नहीं। तो आप और खाना पीना के बारे में क्या? अरे, है सिर्फ चावल मिलता है 12 महीने चावल मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं मिलता, नहीं है? मिलता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कि जो सरकार दे रही है वो पूरा मिले सबको। अच्छा, हाँ, तो इनसे भी थोड़ा वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह आप ये बताइए कि आपको क्या समस्या है? ये समस्या है कि स्कूल टाइम टेबल से नहीं खुल रहा है। अच्छा, मतलब स्कूल टाइम टेबल से नहीं खुल रहा है। तो अगर कोई खोलने वाला भी आता है तो कौन सर आते तो होंगे कभी? कौन सर आते हैं, कौन सर नहीं आते हैं? अच्छा, तो ये लेट आते हैं कि मतलब आते ही नहीं है? कौन टाइम से आते हैं, नहीं आते हैं कौन टाइम से? और ये जो खाना पीना के बारे में, खाना पीना कैसा मिल रहा है? कभी खिचड़ी खिचड़ी देते हैं, कहूँ दही दहिया देते हैं। अच्छा, और रोटी वगैरह? रोटी वगैरह नहीं देते हैं, कभी देते हैं तो रोटी रोटी देते हैं। अच्छा, थोड़ा हम इनसे भी बात करेंगे।